और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस प्रिय व्यूवर यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है आज का एडिटोरियल हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है जो कि 1 जनवरी 2021 को प्रकाशित हुआ है आज के एडिटोरियल का शीर्षक है यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के नए उपभेदों या स्ट्रेन के विरुद्ध लगातार निगरानी के माध्यम से ही भारत अपना बचाव मजबूत रख सकता है यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर थ्री जिसमें सेक्शंस जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी आदि से लिंक करके देख सकते हैं आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु केरल में पाए गए पहले सार्स सीओवी टू मामले के साथ भारत में कोरोना महामारी के आरंभ के एक वर्ष पूरे होने वाले हैं देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस वर्ष की शुरुआत में हम लोगों ने यह पाया कि जो कोविड वायरस था उसका पहला केस हमें केरला में मिला उसको लेकर के अब पूरा एक साल होने वाला है तब से लेकर अब तक निश्चय ही भारत परीक्षण क्षमता वैक्सीन कैंडिडेट्स के विकास जन जागरूकता और संक्रमित हुए लोगों के बहु रूप दर्शक या क्लैडोस्पोकोपिक अनुभव के संदर्भ में अधिक तैयार दिखता है यदि हम लोग बात करें तब से लेकर के अब तक भारत ने चाहे वो परीक्षण क्षमता की बात हो चाहे वैक्सीन डेवलपमेंट की बात हो चाहे लोगों में अवेयरनेस फैलाने की बात हो जागरूकता फैलाने की बात हो और संक्रमित हुए लोगों के जो अनुभव हैं उनको शेयर करने की बात हो उसमें भारत ने काफी अधिक तेजी दिखाई और अब कोविड के संक्रमण के संदर्भ में भारत काफी तैयार स्थिति में नजर आता है हालांकि यूनाइटेड किंगडम में एक नए वायरस स्ट्रेन पाए जाने की रिपोर्ट और भारत आने वाले कम से कम 25 लोगों में इसकी उपस्थिति की पुष्टि के साथ भारत एक बार फिर एक नई सीख के मुहाने पर है लेकिन चिंताजनक बात यह है कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम से आए लगभग पच्चीस लोगों में जो कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन है उसके साइंस मिले हैं और इस स्थिति को देखते हुए भारत एक नई सीखकर के मुहाने पर खड़ा हुआ नजर आता है वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में यदि बात करें तो सारीओवी टू वी यूआई दो हजार बीस बारह शून्य एक या फिर जिसे यूके स्ट्रेन कोविड का यूके स्ट्रेन के नाम से भी जाने जाने लगा है पता तब लगा जब दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित उछाल देखा गया और फिर इसकी सूचना डब्ल्यूएचओ को चौदह दिसंबर को दी गई यूनाइटेड किंगडम की प्रयोगशालाओं का संघ कॉन्सोर्टियम ऑफ लैब समय समय पर आबादी के आइसोलेट्स के पूरे जीनोम के पांच प्रतिशत से दस प्रतिशत की सीक्वेंसिंग करता है देखिए यहां पे यह बात है कि दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में एकाएक कोविड एक से जो संबंधित मामले थे उनमें हम लोगों ने उछाल देखा अक्टूबर के महीने से 14 दिसंबर को डब्ल्यूएचओ को ये जो नया स्ट्रेन है कोविड वायरस का इसके बारे में सूचना दी गई और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो यूनाइटेड किंगडम की जो प्रयोगशालाएं हैं वहां पर लगातार जो कोविड वायरस है उसमें पांच से दस प्रतिशत बदलाव लाकर के जीन सीक्वेंसिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है पांच अक्टूबर से तेरह दिसंबर तक की सीक्वेंसिंग में दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के पचास से अधिक आइसोलेट्स को वेरियंट स्ट्रेन के रूप में चिन्हित किया गया है ये जो सीक्वेंसिंग हुई है उसमें लगभग दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के जो 50 से अधिक मामले आए उसमें जो वेरिएंट स्ट्रेन देखा गया है वो बताया जा रहा है कि यह नया म्यूटेशन हो सकता है ये नया बदलाव हो सकता है कोविड वायरस का इस वेरिएंट में कम से कम 14 उल्लेखनीय उत्त परिवर्तन या म्यूटेशन नजर आए जो स्वस्थ कोशिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं या पहले से कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली को और कमजोर कर सकते हैं ये जो नया वायरस स्ट्रेन बताया जा रहा है इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि इसमें अभी तक लगभग चौदह म्यूटेशन जो है वो देख लिए गए हैं और साथ ही साथ ये जो वायरस है ये जो शरीर की स्वस्थ सेल्स हैं स्वस्थ कोशिकाएं हैं उनको प्रभावित कर सकता है या फिर जो पहले से कमजोर इम्यून सिस्टम है जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको और नुकसान पहुंचा सकता है अध्ययनों से पता चलता है कि यह वायरस वेरिएंट हालांकि मृत्यु दर में वृद्धि से अभी तक समृद्ध नहीं किया गया है लेकिन अन्य वेरिएंट की तुलना में अधिक सचारी है और इस प्रकार मृत्यु के बढ़ते मामलों में प्रत्यक्ष योगदान कर सकता है देखिए ऐसा अभी तक ये बताया जा रहा है कि जो नया वायरस वेरियंट है ये एकदम से मृत्यु दर में वृद्धि नहीं ला रहा है लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि जो कोरोना के बाकी वेरिएंट्स हैं ये उन सब में सबसे तेजी से फैलने वालों में से एक स्ट्रेन आपका बन चुका है तो ये कहा जा सकता है कि यदि इस पर सही तरीके से सही समय पर रोकथाम नहीं की गई तो हो सकता है आने वाले समय में जो मृत्यु के जो बढ़ते मामले हों उसमें इस वायरस स्ट्रेन का भी अपना योगदान हो सकता है विश्व इस स्ट्रेन से अब अवगत हुआ है लेकिन संभव यह है कि यह अक्टूबर से ही यूके के अंदर मौजूद रहा है और चूंकि यूके भारत हवाई मार्ग पर आवाजाही जारी थी अत्यधिक संभावना है कि यह भारत में भी फैल गया हो अब क्योंकि दुनिया को तो इस समय इसके बारे में पता चला है लेकिन अक्टूबर महीने से ही ये कोविड स्ट्रेन यूनाइटेड किंगडम में अपना असर दिखा रहा था अब चूंकि भारत और यूनाइटेड किंगडम के जो हवाई मार्ग पर आवाजाही जारी थी तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कोविड स्ट्रेन हो सकता है कि भारत में भी फैल गया हो यह वही जनवरी फरवरी वाली स्थिति है जब देश का पूरा ध्यान चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के संभावित वाहकों पर था जबकि पश्चिम एशिया और यूरोप से आने वाले लोगों के संक्रमण के कारण मार्च के बाद कोरोना के मामलों में तेजी जो है वो हमको देखने को मिली थी याद करिए जनवरी फरवरी की वो स्थिति जहां पे पूरा फोकस जो था लोगों का वो चाइना और दक्षिण पूर्व एशिया से आवाजाही करने वाले लोगों के ऊपर था जबकि जो असली जो संक्रमण था उसको फैलाने के पीछे पश्चिम एशिया और यूरोप से आने जाने वाले जो लोग थे उनका बहुत बड़ा योगदान था और मार्च में ये स्थिति एकदम से हमारे काबू से बाहर निकल गई तो ये बहुत समझने की जरूरत है कि किस तरीके से अब हमें इस नए स्ट्रेन से लड़ना है तब भारत का सारा जोर आर टी किट्स के बड़े पैमाने पर उत्पादन और उससे भी महत्वपूर्ण उसके वितरण और संक्रमण की पहचान के लिए आवश्यक साजो सामान पर था अब भारत के वैज्ञानिकों को मास जीनोमिक सर्वेलेंस नामक एक बड़े दैत्य से जूझना है देखिए उस समय जब कोरोना धीरे धीरे फैल रहा था तो भारत का पूरा का पूरा जोर इस डायरेक्शन पे था कि किस तरीके से जो पीसीआर आरटीपीसीआर किट्स हैं उनका उत्पादन बढ़ाया जाए और साथ ही साथ जल्द से जल्द लोगों में उसको बांटा जाए और संक्रमण को पहचानने के लिए जो बाकी फैसिलिटीज हो सकती हैं उनको मुहैया कराया जाए ये तब की बात थी जब कोविड आया था लेकिन अब भारत के जो वैज्ञानिक हैं उनके सामने एक बड़ी समस्या सामने आ रही है वो क्या है अब बड़े लेवल पर जीनोमिक सर्विलेंस यदि मैं जीनोमिक सर्विलेंस की बात करता हूं तो एक वायरस एक शरीर से दूसरे शरीर में जब जाता है और वो क्या क्या बदलाव कर रहा है नए नए शरीर पाकर के उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं जीनोमिक सर्विलेंस तो इस समय भारत के वैज्ञानिकों को इससे जूझना यह बहुत बड़ी समस्या जो है वो आने वाले समय में भारत के वैज्ञानिकों के सामने आ सकती है आगे का रास्ता भारत के पास कुछ वर्षों से जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन मौजूद है और नए वेरिएंट्स का पता लगाने और उसकी पहचान करने के लिए कर्मी भी मौजूद है हालांकि एक बात जहां पे हम लोग थोड़ा सा सुकून सब्र ले सकते हैं वो ये कि भारत के पास जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन एक ऐसी मशीन जिससे ये पता लगाया जा सके कि भाई वायरस जो है वो किस स्ट्रेन से कौन सा स्ट्रेन है किसी व्यक्ति में मौजूद और वो अपना क्या असर दिखा रहा है और किस तरीके से म्यूटेट कर रहा है वो मशीनें हमारे पास उपलब्ध हैं साथ ही साथ उस मशीनों को जो चलाने वाले जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए व्यक्तियों की ऐसे व्यक्ति भी हमारे पास मौजूद हैं लेकिन समस्या वही शुरुआत में कोविड के जब हमारे पास आरटीपीसीआर जो थे वो पर्याप्त संख्या में नहीं थे उसी तरह जो हमको जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन की जरूरत है वो भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो हमें इंश्योर करना होगा कि इन मशीनों को जल्द से जल्द हम भारत में उपलब्ध करवाएं। यूनाइटेड किंगडम के एक लाख सैंतीस हजार की तुलना में भारत में मात्र पांच हजार आइसोलेट्स की ही जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है देखिए यूनाइटेड किंगडम ने अभी तक एक लाख सैंतीस हजार आइस जो आइसोलेट्स हैं वायरस के उनकी जीनोम सिक्वेंसिंग जो है प्राप्त कर ली है लेकिन भारत अभी भी मात्र पांच हजार आइसोलेट्स जो हैं उनको सही तरीके से पढ़ पाया है समझ पाया है या फिर कह सकते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग कर पाया है जीनोम सर्वेलेंस को एक नया नियमित अभ्यास बनाने के लिए भारत द्वारा प्रमुख जीनोमिक्स प्रयोगशालाओं के एक संघ का निर्माण करना स्वागत योग्य कदम है देखिए जरूरी यह है कि इस समय जितनी भी भारत में जीनोमिक लैब्स हैं सभी को एक साथ ला करके मिल करके एक कंसोर्टियम बनाना चाहिए एक संघ बनाना चाहिए ताकि ये जो वायरस का नया स्ट्रेन है इसे जल्द से जल्द समझा जा सके और जो पर्याप्त कदम उठाने चाहिए जिससे नागरिकों की सुरक्षा की जा सके उस पर काम करने की आवश्यकता है अभूतपूर्व पैमाने पर वितरण या उपलब्धता के साथ वर्ष 2021 वैक्सीन पर केंद्रित वर्ष होगा लेकिन साथ ही वैज्ञानिकों ने पहले ही यह चेतावनी दे दी है कि संभव है कि कुछ वायरस स्ट्रेन या एक्सेस म्यूटेंट्स स्वयं को इतना रूपांतरित करने की वैक्सीन की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से बचने में कामयाब रहे जैसा कि हेपेटाइटिस बी के मामले में देखा गया था अब ये साल हम जानते हैं कि 2021 जो है वो कोरोना की वैक्सीन भारत में लेकर के आएगा और यह माना जा रहा है कि यह एक सफलतापूर्वक कदम होगा लेकिन वैज्ञानिकों ने इस पर भी एक चिंता व्यक्त की है वैज्ञानिकों का कहना यह है कि कोविड वायरस में कई सारे म्यूटेशन होते हैं तो हो सकता है कि कुछ वायरस के स्ट्रेन ऐसे हो जाएं जो काफी ज्यादा म्यूटेट कर चुके हों और उनके ऊपर वैक्सीन का किसी तरीके का कोई असर ना हो ऐसा हम पहले भी हेपेटाइटिस बी वायरस के केस में देख चुके हैं तो हमें इस समस्या से भी सावधान रहने की आवश्यकता है इसलिए निरंतर निगरानी और उपयुक्त डिटेक्शन किट का विकास करना ही एकमात्र तरीका है जिस पर भारत इस महामारी के लिए और भविष्य की महामारियों के लिए निर्भर हो सकता है इसलिए जरूरी यह है कि लगातार निरंतर निगरानी और साथ ही साथ जो उपयुक्त डिटेक्शन मतलब पता लगाने वाली जो किट्स हैं वो भारत तैयार करे भारत हमेशा हर स्थिति में किसी भी आने वाली नए समस्या या भविष्य में आने वाली किसी भी नई महामारी से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखें इसी में ही भारत की भलाई है और कोशिश भी भारत के वैज्ञानिकों को और भारतीय सरकार को यह करनी चाहिए कि यह समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकाला जा सके और हमारे वैज्ञानिकों को किसी भी तरीके के रिसोर्सेस की कमी ना पड़े तो व्यूवर्स ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस आज के एनालिसिस से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वो कुछ इस प्रकार है कि कोविड 19 जैसी महामारी से निपटने के लिए भारत के लिए आदर्श दृष्टिकोण यह होगा कि उसके पास एक स्पष्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति हो जबकि आशंकाओं को व्यक्तिगत स्तर पर संबोधित करें चर्चा कीजिए तो व्यूवर्स आई होप आज आप सभी को यह एडिटोरियल एनालिसिस पसंद आया हो धन्यवाद और आप सभी व्यूवर्स को दृष्टि आईएस की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस नए वर्ष की धन्यवाद